साथियों, ऐसा ही कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी उनको भी अंधेरे में रखा, उनके साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने कभी एससी एसटी की परवाह नहीं की। 90 के दशक से पहले से कांग्रेस ओबीसी आरक्षण, यानी जिसको अपने गुजरात में बख्शी पंच कहते हैं, बख्शी पंच के लिए ओबीसी के लिए हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परवाह नहीं की। बोले ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुई है। बरसों से ये हमारा बख्शी पंच के लोग, हमारा ओबीसी समाज कहता था कि ओबीसी कमीशन को, ये बख्शी पंच आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले। कांग्रेस ने उनकी नहीं सुनी। ओबीसी के लिए एक के बाद एक काम। जब 2014 में आपका बेटा दिल्ली गया ना, तब जाकर के शुरू हुआ और नतीजा ये हुआ कि ओबीसी, ये हमारे बख्शी पंच के लोग कांग्रेस से दूर भाग गए, पहचान गए कांग्रेस को, और बहुत बड़ी मात्रा में एससी एसटी ओबीसी भी आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बन गया। साथियों, कांग्रेस ने कभी समझा ही नहीं कि हमारे देश में आदिवासी समाज भी है। इतने साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बनाया। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया, उन्होंने उपेक्षा करते रहे। आदिवासी समूह की जो उपेक्षा वो करते रहे, घनघोर उपेक्षा करते रहे, और दशकों तक उन्होंने उपेक्षा की, और उनको एक हास्य में रखा। उन्होंने भी कांग्रेस को किनारा कर लिया। आज देर में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से भी कांग्रेस या तो गायब हो चुकी है, या तो दूसरे तीसरे नंबर पे कहीं इंतजार करती खड़ी है। कांग्रेस इनसे, इन लोगों ने कांग्रेस का छुटकारा ले लिया। आज बीजेपी के एमएलए एमपी की संख्या सबसे ज्यादा बीजेपी की एससी एसटी ओबीसी है। आज मेरे मंत्रिपरिषद में 60% से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग हैं, और इसलिए कांग्रेस को लगता है सब कुछ लूट गया, अब आने वाले 100 साल तक कहीं कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए आज कांग्रेस गरीब को नफरत करने लगी है। आज एससी एसटी ओबीसी इनको नफरत करने लगते हैं, और ये बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी को बहुत नाराज है, उनकी वोट बैंक चली गई है, और इसलिए हम नई साजिश रच रहे हैं, और नई साजिश रची है। साथियों, आप सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है, और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है, बहुत खातिरदारी की है। बीते दशकों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। जो प्रादेशिक पक्ष है ना, उन्होंने उसमें से, क्योंकि कांग्रेस 10 बोलती थी वो 20 बोलते थे, कांग्रेस 25 बोलती थी 50 करो, उनको पता चल गया है कि कांग्रेस को मारने का यही तरीका है। तो जो प्रादेशिक पक्ष पैदा हुए उसमें से बहुत सारे, उन्होंने कांग्रेस को जो मोनोपोली थी माइनॉरिटी की, उस पर भी डाका डाल दिया। इसलिए अब कांग्रेस नई नीति रणनीति बना रही है। जब कांग्रेस सत्ता या विपक्ष में, वहां माइनॉरिटी के वोट बैंक को साथ रखने के लिए तुष्टीकरण में और तेजी से आगे बढ़ रही है।